बनाते हैं पानी पूरी का पानी, इसके लिए चाहिए हमें इमली, जीरा, एक लाल मिर्च, तीन हरी मिर्च, एक कटोरी धनिया, थोड़ा सा नमक और भिगोए हुए खजूर। खजूर और इमली दोनों को मैंने गर्म पानी में भिगाया है क्योंकि इससे इसका जो पल्प है वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है और आपका पेस्ट काफ़ी अच्छा बनता है। डालिए जीरा और बाकी सब इंग्रेडिएंट्स डाल दीजिए। तो जब ये पानी आप बनाएंगे आपको अलग से मीठी चटनी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें हमने डेट्स डाला है, तो ये पानी आपका मीडियम पानी बनेगा। तो अगर आपके घर में लोग ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप डेट्स का प्रपोर्शन बढ़ा सकते हैं, और अगर लोग ज़्यादा खट्टा या तीखा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप इमली और मिर्ची का प्रपोर्शन ऊपर नीचे कर सकते हैं। देखिए जो डेट्स का पल्प है वो कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, तो जब आप इसको पीसेंगे इसका पेस्ट कितना फाइन बनेगा। अब हम डालेंगे आइस, और जो पेस्ट हमने प्रिपेयर की है उसमें हम मिक्स करेंगे थोड़ा सा पानी। अगर आपका पेस्ट अच्छे से नहीं पिसा तो आप इसको छान भी सकते हैं, वरना अगर पेस्ट अच्छा बना है आपका तो आप इसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अभी हम डालेंगे इसमें मिर्ची और इसको मिक्स करेंगे। अब हम खा के देखते हैं ये कैसा लग रहा है। पूरी फोड़िए, और जो रगड़ा मैंने बनाया उसमें भी मैंने थोड़ा गर्म मसाला और मिर्ची डाली क्योंकि मेरे को तीखा पसंद है। इसमें हम ये डालेंगे और ऐड करेंगे पानी। देखिए पानी का कलर कितना अच्छा है, वाओ।